कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को इसरो ने सच साबित किया है। दरअसल चंद्रयान के बाद सूर्य देवता की तरफ आदित्य L1 को भेजा गया, तो वही अब गगनयान का टेस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भारत के नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं। भारत सुपर पावर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ रहा है। अब ये मान लेना चाहिए कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। गगनयान के क्रू मॉड्यूल स्केप सिस्टम के सफल टेस्ट के बाद भाजपा सांसद रवि किशन ने ये बड़ी बात कही है। वही बता दें कि इसी तरह की प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से आ रही हैं। इसरो ने आज एक छोटे रॉकेट के जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गगनयान की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। इसरो का लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए मानव को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें वापस लाना है। आज पहले से पहले मौसम और कुछ तकनीकी खामियों की वजह इसमें देरी होते आई, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और आखिरकार टेस्ट सफल रहा। क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी में तय जगह पर लैंड किया गया। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि गगनयान मिशन 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और मिशन की जटिलताओं की वजह से इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन गगनयान का मकसद मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना है। इतना ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों का विकास करना भी है। इसका मकसद अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को दुनिया को दिखाना है।